बनाना ड्राई फ्रूट्स मिल्कशेक बनाने के लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज बनाना, 2 छोटी इलायची। ड्राई फ्रूट्स में हम लेंगे 7 से 8 पीस पिस्ता, बादाम, काजू और डेट्स। और इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने हॉट वाटर में 30 मिनट्स के लिए सोक करके रखा है। गार्निश के लिए हम लेंगे थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ता, बादाम और किशमिश, 5 से 6 पीस आइस क्यूब्स, 1 ग्लास मिल्क और 2 टीस्पून हनी। अब आप एक ब्लेंडिंग जार लें और उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स एक एक करके ऐड करें। डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने हॉट वाटर में सोक करके रखा था, तो ये आसानी से ब्लेंड हो जाएंगे। इलायची के दाने डालेंगे और सारे ड्राई फ्रूट्स को हम सबसे पहले ब्लेंड कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स अच्छे से ब्लेंड हो चुका है और अब हम इसमें बनाना को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल देंगे। 2 चम्मच शहद डालेंगे और 1/2 ग्लास मिल्क ऐड करेंगे। ध्यान रहे कि हम यहाँ पे केवल 1/2 ग्लास मिल्क ही ऐड कर रहे हैं ताकि बनाना अच्छे से ब्लेंड हो जाए और बाकी के बचे हुए दूध को हम बाद में डालेंगे। और अब हम सारी सामग्रियों को अच्छी तरह से स्मूथ ब्लेंड कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स और बनाना अच्छे से ब्लेंड होकर तैयार हैं, ये बिल्कुल स्मूथ ब्लेंड हो चुके हैं। तो अब आप इसमें बाकी के बचे हुए दूध को भी ऐड कर दें, थोड़े से आइस क्यूब्स ऐड करें और इसे फिर से क्लोज कर आप इसे स्मूथ ब्लेंड कर लें। बनाना ड्राई फ्रूट्स मिल्कशेक बनकर बिल्कुल तैयार है, तो आप इसे एक सर्विंग ग्लास में पोर कर लें। बनाना ड्राई फ्रूट्स मिल्कशेक को हम ग्लास में पोर करेंगे। मिल्कशेक को गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट से, तो हम डालेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ बादाम, किशमिश, पिस्ता और एक बनाना स्लाइस हम इसके कॉर्नर पर प्लेस करेंगे। और ये स्पेशल बनाना मिल्कशेक आपके व्रत में पीने के लिए बिल्कुल तैयार है और इसे पी के आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करोगे। और ये मिल्कशेक स्वादिष्ट होने के साथ ही काफी हेल्दी है।